आयुष्मान भवन। विजय की बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। आपके विजय से जग में अयोध्या का मान बढ़ा है। रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। हमें आप पर गर्व है। जितने दिन युद्ध चला हम आपकी कुशलता और विजय की कामना करते रहे। और देखिए भगवान की कृपा से आपको कोई साधारण घाव भी नहीं लगा। हाँ देवियों, कदाचित ये आपकी प्रार्थना का फल था कि मुझे कोई घाव नहीं लगा। और कदाचित ये किसी की वीरता और साहस का भी फल था कि दो बार मेरे प्राण जाते जाते बच गए। युद्ध में दो बार ऐसे अवसर आए जब मेरे प्राणों पर बनाई थी, किंतु दोनों बार किसी के साहस ने मेरी रक्षा की। कौन था वो साहसी महाराज? वो सारथी जिसने मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरा रथ संभाला था। हम उस सारथी के आभारी हैं। वो सारथी अवश्य कोई बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य है। क्या उसने आपसे कोई पुरस्कार मांगा महाराज? हाँ, मांगा तो था। आप तो महादानी हैं, आपने उसे अवश्य ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया होगा। नहीं देवी, मैंने पुरस्कार नहीं दिया, नहीं दे सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ ने मांगने वाले को पुरस्कार नहीं दिया। अवश्य ही इसका कोई कारण रहा होगा। हाँ देवी, कारण था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि मेरा वो सारथी कोई नवयुवक नहीं, स्वयं कैकेयी राज्य की राजकुमारी कैकेयी थी। तो क्या हुआ महाराज, यदि उन्होंने कुछ मांगा था तो आपको निसंकोच होकर दे देना चाहिए था। संसार में प्राणों से बढ़कर मूल्यवान और क्या है? यदि वो मिले तो हम उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमारे सुहाग की रक्षा की। किंतु महाराज, उन्होंने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने जो मांगा था वो मैं उन्हें आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकता था देवी। अर्थात? उन्होंने अपने लिए सुहाग सिंदूर मांगा था। राजकुमारी कैकेयी ने मेरे सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रख दिया। मैं ये पुरस्कार उन्हें आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता था? ये मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। हमारे सुहाग की रक्षा करने के लिए यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह पुरस्कार मांगा तो न इसे अनुचित कहा जा सकता है और न ही आश्चर्यजनक। मेरे विचार में आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों दीदी? मैं सुमित्रा से सहमत हूं स्वामी। मेरे विचार से आप दोनों पतिव्रत धर्म
भावुकता के आवेश में आकर ऐसा कह रही है। कदापि नहीं महाराज। स्वामी, रघुकुल को कब से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है? इस विशाल भवन को भी कब से एक कुलदीपक की आवश्यकता थी? इतने वर्ष बीत जाने पर भी न तुम्हें और न सुमित्रा आपको वो कुलदीपक दे सके। कौन जाने आपका ये कुलदीपक राजकुमारी कैकेयी के भाग्य में लिखा हो। यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह कुलदीपक प्रदान कर दिया तो अयोध्या में चारों ओर उजाला फैल जाएगा। मैं स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए पुरोहित भेजूंगी। अब जो होगा वो आप नहीं हम करेंगे स्वामी। राजमहिषी महारानी कौशल्या, रात्रि के इस प्रहर में सुदूर मेरे आश्रम में आपके आगमन से ही मैं समझ गया था कि आप कोई अत्यंत ही गंभीर समस्या लेकर आई हैं। और वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। इसी कारण तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूं। महारानी कौशल्या, आप जिस विषय में मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं उसमें आपका और महारानी सुमित्रा का विवेक ही मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की है। उनका जो भी निर्णय हो उसका प्रभाव आप पर और महारानी सुमित्रा पर ही पड़ेगा। यदि आप दोनों राजकुमारी कैकेयी के प्रस्ताव को उचित समझती हैं तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप दोनों का निर्णय अनुपम है, महानता का द्योतक है। रघुकुल के लिए आपका यह त्याग सराहनीय है महारानी। धन्यवाद गुरुवर। बस एक कृपा और कर दें। कहिए। आप अपने आश्रम से किसी पुरोहित को कैकेयी ये संदेश लेकर भेज दे कि महाराज दशरथ को राजकुमारी कैकेयी का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु यह संभव नहीं है महारानी, क्योंकि परंपरा भी यही है और नियम भी यही है कि विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर से ही कोई लेकर आता है और इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता गुरुवर? जब कैकेयी ने सारथी बनकर युद्ध में भाग लेकर हमारे स्वामी के प्राण बचाकर हर परंपरा और नियम को तोड़ दिया तो क्या हम ये एक परंपरा और नियम नहीं तोड़ सकते? राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख ये प्रस्ताव रख दिया है। औपचारिकता के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं है? आप जो भी कुछ कह रही हैं महारानी वो सर्वथा तर्कसंगत है। तो गुरुवर, आप किसी पुरोहित को संदेश लेकर भेजेंगे ना? यदि आपका यही आग्रह है महारानी तो मैं कल ही पुरोहित को संदेश देकर भेज देता हूं। गुरुवर, मैं आपकी आभारी हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भाव।
संभालने वाली, दो बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं केकई नरेश की पुत्री केकई हूं महाराज। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगी हुई है, मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी। प्रणाम महाराज। मंत्र तुम महाराज, असमय आने के लिए क्षमा चाहती हूं, परंतु मुझसे राजकुमारी की व्याकुलता देखी नहीं जाती। बचपन से उसे गोद में खिलाया है, उसे तनिक भी पीड़ा होती है तो मैं तड़पने लगती हूं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इतनी रात बीत गई पर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं। उसके जागने का कारण मैं जानता हूं मंथरा, तुम तो जानती हो मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं जानता हूं वो क्या है जिसने उसकी आंखों से नींद छीन ली है, किंतु मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं। श्री आप? हाँ, मंथरा ने मुझे बताया कि तुम अभी तक सोई नहीं, तो मैं पूछने चला आया कि क्या बात है। सब कुशल तो है ना? कुछ नहीं पिताश्री, बस यही नींद नहीं आ रही थी। पुत्री मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम तो जानती हो तुमसे कितना स्नेह करता हूँ। मुझसे अपने मन का भेद मत छिपाओ, मुझे बताओ क्या चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। पिताश्री कहो, मुझसे कहो क्या बात है। पिताश्री, मुझे अयोध्या नरेश दशरथ। तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ भाग गए हैं? पा नहीं गए हैं, वो मेरे जीवन पर छा गए हैं। अब मैं उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, अयोध्या नरेश सज्जन है, वीर है। उन्होंने उस समय हमारी सहायता की जब कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उन्हें संदेश भी भिजवा सकता हूं, किंतु पुत्री किंतु? मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारा संदेश स्वीकार कर लेंगे,
क्योंकि मैं उनकी परिस्थितियां जानता हूं। वो परिस्थितियां मैं भी जानती हूं पिताश्री, परंतु मैं चाहूं भी तो अब उन्हें भूल नहीं सकती। मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। यदि उन्होंने हमारा संदेश अस्वीकार कर दिया तो क्या तुम इस दुख को सहलोगी? हां पिताश्री, सहलूंगी और ये भी वचन देती हूं कि यदि उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं जीवन भर उन्हीं के नाम पर बैठी रहूंगी। ऐसा मत कहो पुत्री। मैंने अयोध्या नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब किसी और के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म ऋषि, आपने मुझे बुलवाया। पुरोहित जी, आपको एक संदेश लेकर कैकेयी राज्य जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या संदेश है? संदेश ऋषिवर, महाराज कैकेयी का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। कैकेयी राज्य का दूत, प्रस्तुत करो उसे। आइए। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, मैं कैकेयी का राज पुरोहित हूँ। स्वागत है आपका, कहिए क्या संदेश लाए हैं। ऋषिवर, आप महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। मुझे मेरे महाराज ने आपके पास अयोध्या नरेश दशरथ से अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अत्यंत ही सुखद आश्चर्य है पुरोहित जी। मैं भी अपने पुरोहित जी को महाराज कैकेयी के पास यही संदेश देकर भेजने वाला था। ये तो बहुत सुंदर संयोग हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये शगुन लेकर महाराज दशरथ की सेवा में पहुंचूं। मेरी पूर्ण अनुमति है, मैं अभी व्यवस्था किए देता हूं। पुरोहित जी। धन्यवाद ऋषिवर। कैकेयी के संदेश से फैला हर्ष अपार, मर्यादा ने पा लिया जैसे एक आधार। कैकेयी आशा फली पाके अवध नरेश, धन्य अयोध्या हो गई मिला मधुर संदेश, मिला मधुर संदेश।